अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 6.7 का क्वेश्चन नंबर हमने 4 करना है। और जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था और 3 किया था, सेम वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। तो इसमें भी उसने x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू दी हुई है और आपने फाइंड करनी है x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब की वैल्यू। तो हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं x, x प्लस 1 ओवर x, इसका मैं अगर क्यूब ले लूँ, ठीक है, और क्यूब के अकॉर्डिंग, मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करूँ, तो आपके पास होगा a का क्यूब यानी x क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले का, a की वैल्यू आ रही है x, b की वैल्यू आ रही है 1 ओवर x, नेक्स्ट a प्लस बी यानी के x प्लस 1 ओवर x प्लस b का क्यूब यानी 1 ओवर x का क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा, तो x प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 3 इंटू x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x क्यूब। क्योंकि हमने x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इन दो टर्म्स को कंबाइन कर लें, ये आपके पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1 ओवर x, x प्लस 1 ओवर x क्यूब। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, वो है 7। हम यहाँ पे 7 पुट कर देंगे, 7 क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 3 इंटू, यहाँ पे भी 7 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप 7 का क्यूब लेंगे, आपके पास आएगा 343 x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 21 को मैं जब यहाँ पे शिफ्ट करूँगी 343, तो ये प्लस है, यहाँ पर आकर ये माइनस का हो जाएगा, आपके पास x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 322 इक्वल है x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब, और यही आपके पास वैल्यू है। ये वैल्यू उसने फाइंड करने को बोला था, इसकी वैल्यू x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब की, इसकी वैल्यू क्या आई आपके पास 322। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वो भी इसी तरह ही है, इसमें ये माइनस के साथ आपको वैल्यू दी है, ये सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का है। तो इसमें भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस 1 ओवर x का होल क्यूब ले लेंगे, इक्वल्स टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लें, आपके पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 3 फॉर्मूले का, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 ओवर x, a माइनस b आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x, माइनस और b का क्यूब आ जाएगा 1 ओवर x का क्यूब। सिंप्लीफाई कर लें इसको, x क्यूब माइनस ये कैंसिल हो गया, 3 इंटू x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लें, आपके पास x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस 3 इंटू x माइनस 1 ओवर x, यहाँ से आ जाएगा 1 ओवर x का क्यूब, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमने हमारे पास जो वैल्यू है इसकी दी हुई, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे, आपके पास 2 है, 2 का क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब, ये 2 कहाँ से आया, ये वाली वैल्यू x माइनस 1 ओवर x, 2 इसकी वैल्यू दी हुई है, यानी ये वैल्यू इसके इक्वल है, आप यहाँ पे या 2 पुट कर लेंगे, 1 ओवर x क्यूब माइनस 3, यहाँ पर भी वो वैल्यू पुट कर लेंगे 2, 2 का यहाँ पे क्यूब लें तो क्या आता है, 8 इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर लें, सॉरी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 आता है, और यहाँ से 6 में जब यहाँ पे शिफ्ट करूँगी तो आपके पास आ जाएगा 8 प्लस, क्योंकि माइनस का है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, इक्वल x क्यूब माइनस 1 ओवर x, 8 और 6 को प्लस करें तो आपके पास 14 आता है x, यानी इसकी वैल्यू ये आ रही है। तो स्टूडेंट्स, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को बोला था, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है, 14 आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमने 6 करना है, उसमें इसने कहा है फाइंड द क्यूब यूजिंग द फॉर्मूला, आपके पास 13 है, तो ये एक नंबर है, और पहले जो हमारे पास क्वेश्चंस होते थे उसमें आपको वेरिएबल्स दिए होते थे, यानी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दी होती थी, दो वैल्यूज। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास जस्ट 13 है, तो 13 में आपको कैसे पता चलेगा कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, और हमने फॉर्मूले में उसको कैसे पुट करना है। तो उसके लिए हम पहले 13 को कन्वर्ट कर लेते हैं
13 इक्वल होता है 10 प्लस 3। अगर हम ये टू वैल्यूज़ लें जिसमें आप एक वैल्यू को ए कंसिडर करें, दूसरी वैल्यू को बी कंसिडर करें, तो आप देख रहे हैं कि 10 को जब 3 से 3 में प्लस करेंगे तो आपके पास 13 आएगा, यानी यही वैल्यू बनती है। इट्स मीन कि हम इसकी जगह 13 की जगह हम ये वैल्यू ले सकते हैं, चूँकि हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग ए और बी वैल्यू बनानी थी। इसलिए मैम यहाँ पर लूँगी 10 प्लस 3 का होल क्यूब। अब इसको मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूँगी, वो आ जाएगा आपका ए का क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का, ए की वैल्यू आपके पास 10 है, बी की वैल्यू 3 इंटू ए प्लस बी यानी 10 प्लस 3 प्लस बी आपके पास 3 है, तो 3 का क्यूब ले लेंगे। 10 का क्यूब लें आपके पास आ जाएगा 1000 प्लस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाता है 90, 10 प्लस 3 प्लस 3 का क्यूब लें आपके पास आ जाएगा 27। अब आपने इसको करना है, ये 1000 है एज इट इज़ प्लस 90 को 100 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 900 प्लस 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 270 प्लस 27। अब इस सब को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास सबको प्लस करने के बाद आपके पास वैल्यू आ रही है 2197, ये वैल्यू आ रही है। तो स्टूडेंट्स आप वैसे भी 13 का क्यूब लेना, 13 मल्टीप्लाई 13 करें तब भी आपके पास यही वैल्यू आएगी, या फिर आप इस मेथड से यानी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए उसको करेंगे तब भी यही वैल्यू। इट्स मीन कि यहाँ पर चूंकि उसने हमें कहा हुआ है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है, इसलिए हम उसको इस प्रोसेस से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, 0.99। तो अब आपने यहाँ पर इसका ए और बी पार्ट बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अगर मैं इसको 1 में से माइनस करूँ 0.99 को, 1 में से मैं 0.99 को माइनस करूँ तो आपके पास आता है 0.01, ठीक है। और अगर मैं 1 में से माइनस करूँ 0.01 को तो आपके पास 0.99 बनता है। तो आपने वो टर्म बनानी होती है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होती है, यानी मैं 1 में से इस वैल्यू को माइनस करूँ आपके पास 0.99 बनता है। इट्स मीन कि ये जो दो फैक्टर मैंने लिए हैं ये यही यूज़ होंगे, तो ये आपके पास आ जाएंगे 1 माइनस 0.01, ठीक है। इसका आपने क्यूब ले लेना है, 1 माइनस 0.01 का क्यूब लेंगे तो आप इसको क्यूब के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें, आपके पास 1 का क्यूब माइनस 3, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0.01, ठीक है। इसके बाद आ जाएगी 1 माइनस 0.01। नेक्स्ट मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ माइनस 0.01 का क्यूब, ठीक है यूँ। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.03 1 माइनस 0.01 माइनस ये वाली वैल्यू। इसका आप क्यूब ले लें, इसका जब आप क्यूब लेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। अब आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना है, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0.03 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से आपके पास वैल्यू आ रही है 0.0003, ये माइनस 0.0000001। अब इस सारी वैल्यू को आप ऐड कर लें, इस सारी वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.970299, ठीक है ये वैल्यू आ रही है। तो स्टूडेंट्स आप इसका वैसे भी अगर क्यूब लें, कैलकुलेटर से भी चेक करें तो आपके पास यही वैल्यू आएगी, या आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी करें तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। यहाँ पे हमने ये मेथड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड कंडीशन दी हुई थी कि जी आपने फॉर्मूले से ही इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 का सेकेंड पार्ट है वो क्वेश्चन कुछ 103 है, इसको आपने इसी मेथड से सॉल्व करना है फर्स्ट वाले पार्ट की जैसे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपने खुद सोल्व करी, इसका मैं हिंट दे देती हूँ। यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कुछ यूँ बनेगी, 100 प्लस 3 कर दें, ठीक है,
तो ये आपके पास ए की वैल्यू और एक ये आपके पास बी की वैल्यू होगी, और इसको यूज़ करते हुए आपने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देना है, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।